नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम मोदी विरोधी दल अपने अपने राज्यों में बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों की ये रणनीति दिल्ली में फेल होती नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए पिछले कई महीनों से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच खिचड़ी पक रही थी, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने हाथ में केजरीवाल की झाड़ू थामने से इनकार कर दिया। इस इनकार के पीछे कहीं न कहीं दिल्ली कांग्रेस की नई अध्यक्ष शीला दीक्षित का हाथ है, क्योंकि गौर करें तो जब अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस दौर में कई बार ये खबरें आईं कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और आप हाथ मिलाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन शीला दीक्षित के कमान संभालते ही आपसे गठबंधन की सारी कोशिशें हवा हो गई। क्या हमें गठबंधन करना चाहिए? नहीं, तो यूनानिमस डिसीजन यही हुआ कि गठबंधन नहीं होगा। तो मैम, ये आप लोगों का ये यही है डिसीजन कि आप गठबंधन? राहुल जी ने थे वहाँ पे, राहुल जी के सामने ये डिसीजन हुआ, तो इट्स फाइनल। इट्स अ फाइनल दैट देयर विल बी नो अलायंस? नो नो। एंड मैम, और कोई कैंडिडेट्स के नाम या कुछ भी और कोई डिस्कस हुआ नहीं अभी तक? अभी नहीं। 5 मार्च को एक बार फिर अटकलें आई कि आप कांग्रेस में बात बन सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब राहुल गांधी के घर पर इस मुद्दे को लेकर मंथन चल रहा था, उनके घर पर ही शीला दीक्षित और अजय माकन आपस में भिड़ गए। जहाँ एक तरफ शीला दीक्षित का कहना था कि राज्य में पार्टी की हालत बेहतर हुई है, वही वरिष्ठ नेता अजय माकन ने खुलकर कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि माकन पहले आपके साथ किसी भी तरह के गठबंधन के कड़े विरोधी रहे हैं और इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, लेकिन इस बैठक में उन्होंने अलग राय रखी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैंने अकेले जितने विरोध प्रदर्शन किए हैं और मोर्चे निकाले हैं, उतने इस मीटिंग में किसी ने नहीं किए होंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी के साथ मीटिंग में शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में पहले से बेहतर कर रही है। इस पर अजय माकन ने शीला से पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे उनके बेटे संदीप दीक्षित इस बार भी सीट से चुनाव लड़ेंगे? तो इस पर शीला दीक्षित का कहना था कि ये मैं कैसे कह सकती हूँ। सूत्रों के मुताबिक इस पर अजय माकन का कहना था, आप कह रही हैं अलायंस ना हो, संदीप भी दिल्ली से नहीं लड़ रहे हैं, तो हमें क्यों तिकोनी लड़ाई में फंसाया जाए? हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के इरादे के साथ लड़े, दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। दोनों पार्टियों के अलग लड़ने से बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होगा और 7 सीटों पर जीत बीजेपी को मिलेगी। बताया जाता है कि कांग्रेस के दिल्ली पर्यवेक्षक पीसी चाको ने भी अजय माकन के इस रुख से सहमति रखी, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बैठक में कहा कि दिल्ली यूनिट अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, तो फिर हम आम आदमी पार्टी जो डूबने की स्थिति में है उसे ऑक्सीजन क्यों दे? उन्होंने कहा कि मुझे केजरीवाल पर भरोसा नहीं है और आज उनकी पार्टी पूरे देश में कहीं नहीं है। वर्किंग प्रेसिडेंट हारून यूसुफ ने कहा कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है कि आपके साथ गठबंधन नहीं हो, आपके सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अगर हमने गठबंधन कर लिया तो कांग्रेस अगले 20 साल तक दिल्ली में वापस नहीं आ पाएगी। बैठक में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन के समर्थक थे, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के विरोधी। दोनों ओर से हुई तकरार में राहुल गांधी ने दिल्ली की धुरंधर नेता शीला दीक्षित की बात मानी और आखिरकार केजरीवाल की आपसे गठबंधन की सभी संभावनाओं पर विराम लग गया। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की इच्छा जरूर पूरी होती। फिलहाल अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि दिल्ली में लड़ाई त्रिकोणीय होगी।